सो हेलो ऑल ऑफ यू, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को WBJEE के बारे में, कई बच्चे मुझे लगातार इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे थे कि क्या भैया पोस्टपोन होगा कि नहीं, क्या भैया मुझे एग्जाम देने जाना चाहिए कि नहीं। आपको सभी को बता दूं कि आप सबको पता ही होगा कि 30 अप्रैल को टेंटेटिव डेट है कि आपका WBJEE का पेपर होने वाला है। WBJEE देना इंपॉर्टेंट है या नहीं, सबसे पहला सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। JEE मेन के बाद अगर कोई एक अच्छे एग्जाम में उसकी गिनती आती है तो आपको WBJEE स्किप करने का सोच रहे तो ये बिल्कुल भी गलत है। आपको एग्जाम तो देना चाहिए, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब ये बोलोगे कि क्या भैया हमें जाना चाहिए, पोस्टपोनमेंट का चांस हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो, पोस्टपोनमेंट का चांस क्यों है पहले ये बता देता हूँ। देखो, सबसे पहला पॉइंट कि WBJEE में जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स है वो अदर स्टेट के हैं, तो अदर स्टेट के बच्चे वहां पे जाके अपीयर होते ही आपको पता ही है WBJEE में, ठीक है। तो बहुत ज्यादा बच्चे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड जैसे राज्यों से वहां जाते हैं एग्जाम देने के लिए। तो अभी का क्या सिचुएशन है, आपको पता है कि मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट को CBSE बोर्ड का एग्जाम देना है। स्टेट बोर्ड कईयों का हुआ है, कईयों का नहीं हुआ है, तो उसको मैं बेस नहीं मान रहा हूं, मैं बोर्ड को बेस मान रहा हूं। तो वो एग्जाम तो सबको देना ही है। अब भाई 26 अप्रैल से बोर्ड का एग्जाम है और वहां पे मान लो एक जाके फिर वापस आके फिर दोबारा एग्जाम देना, ये बहुत हैरासमेंट वाली चीज है, इफेक्ट पड़ता है, बहुत बच्चे नहीं जाएंगे उस कारण से, तो चांसेस है कि कैंसिल हो जाए। अब ये बताऊंगा क्या नहीं भी कैंसिल होने का चांसेस है, बिल्कुल। 2019 की बात बता रहा हूँ, JEE एडवांस का पेपर से एक दिन पहले WBJEE का एग्जाम था और क्लैश कर रहा था एक दिन में। अब कोई बच्चा, और बंगाल WBJEE की खासियत ये है कि साला मतलब बंगाल में जाके ही एग्जाम होता है, और बंगाल में जाके एग्जाम होता है तो भाई वहां जाना की पड़ेगा। और बहुत बच्चों ने JEE एडवांस का सेंटर अपने अपने होम टाउन में ले लिया था, तो उन्होंने WBJEE का पेपर कैंसिल नहीं किया था। और एग्जाम 2019 में हुआ था तो मैंने भी WBJEE का एग्जाम छोड़ दिया था ड्यू टू JEE एडवांस के चक्कर में। तो ये बात, उन्होंने उस साल भी किया तो हम गारंटी नहीं ले सकते। तो अगर आपको जाना है तो आप टिकट अभी कटवा लो, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा, क्योंकि बंगाल का कोई गारंटी नहीं कब क्या होना है, क्या हो जाए, ठीक है। यही छोटा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो, पसंद आए तो लाइक करो। सो थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अनअकैडमी का IIT JEE सुपर 30 टेस्ट सीरीज, जो कि आप सभी को पता है कि हमेशा शाम को आप दे सकते हो, 15 क्वेश्चन 30 मिनट में आपको देने होते हैं। यहाँ पे आप मेरा कूपन कोड AMITSHGS डाल के इनरोल हो सकते हो और 50,000 तक का यहाँ पे प्राइजेस आप जीत सकते हो। टॉप ऑफ 50 लकी विनर्स को यहाँ पे, मतलब सिर्फ और सिर्फ अगर आप पार्टिसिपेट भी कर लोगे तो आपको यहाँ पर प्राइजेस और गिफ्ट वाउचर आप यहाँ पे जीत सकते हो। तो मेरा कूपन कोड AMITSHGS डालो और आप इसमें दो, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगा। हर रोज़ शाम 7 बजे होता है, जो कि टॉप एजुकेटर्स ने ये क्वेश्चन सेट किए रहते हैं आपके रिविजन के लिए, बहुत ही अच्छा है सुपर 30 टेस्ट सीरीज। और JEE मेन 2022 पोस्टपोन भी हो गया, इस टाइम का आप यूज करो और अपनी प्रैक्टिस करो, 15 क्वेश्चन 30 मिनट, और ऐसे ही आप रोज शाम में अपना एक रूटीन बना लो कि आपको ये टेस्ट आपको देना ही है, और AMITSHGS डालो फ्री में। और यहाँ पे देखो जो विनर्स थे उनके नाम है, आप देख सकते हो, तो यहाँ आपका भी नाम हो सकता है। तो उसके लिए अगर आप चाहते हो कि आपका नाम हो तो आप जाओ पार्टिसिपेट करो इस क्वीज में, और रोज़ पार्टिसिपेट करो तो कहीं ना कहीं आपकी भी चांसेस बनेंगे जीतने का, प्राइज जीतोगे, पेरेंट्स को भी अच्छा लगेगा। सो थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।